हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। हाल ही में महाराष्ट्र सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ नागपुर के सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। पुलिस लाइन टाकली में आयोजित इस बैठक में संघ के अध्यक्ष रमेश मेहता की अध्यक्षता में एवं मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के हाथों संघ के वरिष्ठ सदस्यों का शाल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। सत्कार मूर्तियों में भानुदास गायकवाड़, विठ्ठलराव अवधूत, रामचंद्र हिंगे, गोपालराव भुजभाटकर, दिनकर चारमुड़े, श्रीराम सरोदे, महेश ओझा, पांडुरंग राउत, नारायण कडू, सुपड़ो महाजन, नारायण पाठक, रामचंद्र काले, केदारनाथ तिवारी को आयुक्त अमितेश कुमार ने सम्मानित किया। संघ के कोषाध्यक्ष सुरेश महाले, सचिव नागेश घोड़की, संयुक्त सचिव सदस्य बालासाहेब देवलकर, मोरेश्वर उपसे, मारुति शिंदे, मोतीराम पाखरे ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष रमेश मेहता ने संघ द्वारा 19 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य में संघ द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि एवं शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अपने स्तर पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का वादा किया। कृषि और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए नागपुर सर्कल में आयोजित 76 उपभोक्ता मेलों में लगभग 1676 शिकायतों का समाधान किया गया। बिजली बिल को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिली। मेले में इन शिकायतों के समाधान से संतुष्ट कृषि उपभोक्ताओं ने मार्च माह में 17.15 करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान किया। ग्राहकों की शिकायतों का तत्काल निवारण करने के लिए ऊर्जा मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत के निर्देशों के अनुसार 10 से 22 मार्च 2022 के बीच नागपुर सर्कल में अनुमंडल स्तर पर 76 मेलों का आयोजन किया गया। मेलों का आयोजन नागपुर रेंज के क्षेत्रीय निदेशक सुहास रंगारी और नागपुर सर्कल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के के मार्गदर्शन में किया गया था। इस मेले में 1543 कृषि उपभोक्ताओं ने बिजली बिल की शिकायत दर्ज कराई। बैठक में 838 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैठक में बिलिंग के अलावा 93 शिकायतों में से 75 शिकायतों का निराकरण किया गया। जिन शिकायतों में अधिक जानकारी की आवश्यकता है तथा तकनीकी मामलों की जांच की जानी चाहिए और उन्हें शीघ्रता से हल करने की प्रक्रिया चल रही है। मेले में कृषि विद्युत कनेक्शन नीति की विस्तृत जानकारी दी गई। हाल ही में ICAI के WIRC की नागपुर शाखा ने बैंक शाखा ऑडिट पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कैनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख CA सुनील कोटियान मुख्य अतिथि थे। चार विशिष्ट वक्ता CA श्रीनिवास जोशी, CA अभिजीत संजगिरी, मुंबई से CA प्रकाश कुलकर्णी, पुणे से और CA आशुतोष जोशी नागपुर से विभिन्न तकनीकी विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु उपस्थित थे। CA सुनील कोटियान सहायक महाप्रबंधक कैनरा बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों पर बातचीत कर बहुत ही उपयुक्त तरीके से सभा को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की शाखाओं की लेखा परीक्षा करते समय शाखा व्यवसाय, लेखा परीक्षा योजना जैसे आवश्यक विषयों को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि समय समय पर बड़ी संख्या में बैंक सर्कुलर जारी किए जाते हैं, जिनकी एक ऑडिटर को समीक्षा करनी चाहिए और जो संविधिक शाखा ऑडिट के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है, उन्हें ऑडिट के समय उनको भी प्रक्रिया सम्मिलित रखना चाहिए। समयबद्ध तरीके से ऑडिट करना CA की USP है, क्योंकि उनके पास अपने विश्लेषणात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल सेट का उपयोग करके विशाल बैंक ऑडिट कार्य को संभालने के लिए सभी आवश्यक कौशल्य है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल व नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठी की उपस्थिति में गुलाम अशरफी ने राकापा में प्रवेश लिया। प्रवेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उन्हें प्रवेश दिलाया। गुलाम अशरफी यंग फोर्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक अध्यक्ष है। यंग फोर्स के माध्यम से विदर्भ में अनेक युवाओं व महिलाओं को संगठन से जोड़कर अनेक समाज कार्य गुलाम अशरफी ने किए। कोरोना महामारी के समय अनेक गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन व अन्न किट देने का कार्य भी गुलाम अशरफी ने किया है। राकापा अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कहा कि गुलाम अशरफी के पार्टी में प्रवेश से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शहर में व संपूर्ण विदर्भ में फायदा मिलेगा व जल्द ही संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। गुलाम अशरफी के साथ राहुल प्रधान, शैलेश तड़से ने भी पार्टी में प्रवेश लिया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, रमन ठोकर, सैयद फजुल्ला, संतोष सिंह, शिव भेंडे, सैयद सूफियान, विक्की घोड़े, सन्नी अंसारी आदि पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित थे।
श्री श्वेतंबर जैन समाज पश्चिम नागपुर ने हाल ही में विष्णु की रसोई बजाज नगर में अपने सदस्यों के लिए होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। हर साल समाज ने होली दिवस की शाम को इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में 350 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। मनोरंजन कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नृत्य, हास्य कविता, बॉलीवुड थीम फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और रैंप वॉक का समावेश रहा। व्यक्तिगत श्रेणी, युगल और पारिवारिक श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ पोशाक और सर्वश्रेष्ठ रैंप वॉक जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार वितरित किए गए। प्रदीप बदानी, प्रीशा बैद, तनिष्का पारेख, अंकुश और रश्मि बोरा, सुराना परिवार, वेदांशी जोधानी, संजय चोरडिया, नेहा मालू, तनिष्का सुराना, अरिहंत और निधि वैद्य विभिन्न श्रेणियों के विजेता रहे। कार्यक्रम में कई सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आयोजकों की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक थे नैवेद्यम ग्रुप, VPA कोचिंग क्लासेस, बोथरा कॉटस्विन प्राइवेट लिमिटेड, मौर्य एंटरप्राइजेस और कंक्रीट डेवलपर्स। कार्यक्रम की सफलता के लिए परियोजना समन्वयक अनिल गोठी एवं परियोजना निदेशक संजय पगारिया, अमित पारक, रितेश लोढ़ा, प्रणीत भंसाली, नीलम झामण ने कड़ी मेहनत की। कार्यक्रम का संचालन एंकर शुभा राठी द्वारा किया गया और अनिल जैन एवं सीमा कोठारी की भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका रही। BAPS स्वामीनारायण मंदिर में गुजरात से पधारे महामहोपाध्याय परम पूज्य स्वामी भद्रेशदास जी से समाजसेवी व पूर्व नागपुर भाजपा मीडिया प्रमुख मनोज अग्रवाल ने मंडल सहित भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर नागपुर मंदिर के महंत परम पूज्य स्वामी प्रेम प्रकाश दास एवं स्वामी मंगल श्लोक दास प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अग्रवाल के साथ चंदूलाल पटेल, अरविंद पटेल, भूपेंद्र ठक्कर ने भी स्वामी जी से विशेष रूप से आशीर्वाद लिया। महामहोपाध्याय भद्रेशदास स्वामी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के एक विद्वान संत है। 2007 में उन्होंने स्वामीनारायण भाष्यम को पूरा किया, जो प्रस्थान त्रयी पर 5 खंडों वाला शास्त्रीय संस्कृत भाष्य है। हिंदू धर्म के 3 ग्रंथ उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की व्याख्यात्मक नींव बनाते हैं, जिसे स्वामीनारायण दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की वैदिक जड़ों को रोशन करता है। स्वामी जी ने वेदांत मार्तंड पुरस्कार सिल्पकॉन विश्वविद्यालय से, अभिनय भाष्यकार पुरस्कार सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से, महामहोपाध्याय वेदांत प्रकाश पुरस्कार कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है और उन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल जिलाध्यक्ष नागपुर शहर अमित दुबे के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने वर्धा शहर में एक महिला वकील पर जानलेवा हमला किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर वकील को विशेष सुरक्षा मिलने के बारे में चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अमित दुबे ने पुलिस आयुक्त को बताया कि पिछले कुछ सालों से वकीलों पर आए दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। अभी हाल ही में वर्धा में एक महिला वकील योगिता मून को न्यायालय परिसर में एक आरोपी ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया है। वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ऐसी घटना और भी कई हो सकती है। ये घटना बेहद निंदनीय है, जिसका हम निषेध करते हैं। जब एक आम व्यक्ति यदि निर्दोष होते हुए भी किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, तब उसे न्याय दिलाने के लिए एक वकील की भूमिका भगवान समान होती है, जो उसे बचाता है। उस पर लगे बेबुनियाद आरोपों को गलत साबित कर जनता में उसकी खराब हो चुकी छवि को सुधारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसे वकीलों पर हमला हो रहा है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। समर के दौरान रेल यात्रियों की मांग एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सूरत एवं हटिया के मध्य 8 फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। 09069090070 सूरत हटिया सूरत साप्ताहिक समर स्पेशल की सुविधा 21 अप्रैल से 10 जून 2022 तक इस गाड़ी का परिचालन रहेगा। 09069 सूरत हटिया साप्ताहिक समर स्पेशल का परिचालन 21 एवं 28 अप्रैल 2022, 5/12/19 एवं 25 मई 2022, 2 एवं 9 जून 2022 को प्रत्येक गुरुवार को सूरत से रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत 09070 हटिया सूरत साप्ताहिक समर स्पेशल का परिचालन दिनांक 22 एवं 29 अप्रैल 2022, 6/13/20 एवं 27 मई 2022, 3 एवं 10 जून 2022 को प्रथम शुक्रवार को इस गाड़ी का परिचालन हटिया से होगा। इस गाड़ी में कुल 15 कोच उपलब्ध रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की ओर से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को महाराष्ट्र की कला परंपरा विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्यव्रत राउत और विशिष्ट वक्ता के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय की लोक कला अकादमी के डॉक्टर गणेश चंदन शिवे ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आयोजन हिंदी विश्वविद्यालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की ओर से किया गया। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। आजादी का अमृत महोत्सव एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर एवं जीबी जोशी मेमोरियल ट्रस्ट धारवाड़ के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को रंगायन रंगमंच धारवाड़ कर्नाटक में द बोस महानायक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में नेताजी के जीवन एवं राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान को बड़े ही सुंदर प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नेताजी द्वारा चलाए गए आंदोलन, उनकी गिरफ्तारी, आजाद हिंद सेना का गठन इत्यादि कई घटनाओं को इस नाटक में प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर्नाटक के अध्यक्ष आयरेश अंचटागिरी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। नागपुर के 30 कलाकारों ने कुणाल गड़ेकर के नेतृत्व में इस नाटक में अपनी प्रस्तुति दी। इस नाटक की संकल्पना शिवानी भूसारी की थी। लेखन नलिनी बंसोड़ द्वारा किया गया। नाटक निर्देशन सलीम शेख एवं दिलीप देवरनकर, मकरंद भालेराव और माधवी पांडे द्वारा निर्मित था। नाटक का पार्श्व संगीत चारुदत्त जिचकार द्वारा दिया गया। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष फारूक अगबानी, स्वप्निल अहिरकर व सहसचिव राजवंत पाल सिंह तुली के साथ व्यापारियों ने मनपा के उपायुक्त राम जोशी को प्रतिवेदन देकर मनपा बाजारों के लीजधारक दुकानदारों द्वारा एकमुश्त किराया भरने हेतु अभय योजना की समय सीमा 31 मार्च 2022 से आगे बढ़ाने की मांग की। चेंबर के उपाध्यक्ष फारूक अगबानी ने प्रतिवेदन देते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन ने मनपा दुकानों लीजधारकों के लिए किराया भरने के लिए सशर्त अभय योजना लागू की है, जिसके अनुसार यदि लीजधारक 31 मार्च 2022 तक एकमुश्त किराए की रकम भरता है तो उन पर लंबित किराए राशि पर लगने वाले जुर्माने पर छूट दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा यह योजना 25 मार्च 2022 से लागू की है और 4 से 5 दिनों के अंदर इतनी रकम एक साथ जमा करने परेशानी हो रही है। चेंबर के उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर ने कहा कि विभिन्न बाजारों में मनपा दुकानों के कई लीजधारक इस अभय योजना का लाभ लेना चाहते हैं, किंतु मार्च माह वित्तीय वर्ष का अंतिम माह है और लीज धारकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल हेटी सावनेर में पोषक पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। स्कूल में इसके लिए विशेष असेंबली का आयोजन भी किया गया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने सभी विद्यार्थियों को पोषक आहार के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकाल में विभिन्न बीमारियों से बचने हेतु कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह भी समझाया गया कि ग्रीष्म हेतु में तैलीय पदार्थों का सेवन अत्यंत हानिकारक होता है, अतः बेहतर होगा बच्चे सात्विक भोजन करें एवं खाली पेट घर से बाहर ना निकले। ग्रीष्म ऋतु में प्रतिदिन छाछ का सेवन करना चाहिए तथा आम का पना भी पीना चाहिए। ककड़ी का सेवन भी लाभदायक माना गया है। पौष्टिक एवं संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी भी विद्यार्थियों को प्रदान की गई। सभी विद्यार्थियों से विशेष तौर पर यह आग्रह किया गया कि भोजन उतना ही खाए जितना आसानी से पचाया जा सकता है। जीने के लिए खाए न कि खाने के लिए जिए। पोषक पखवाड़ा 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा एवं समापन समारोह में उन सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने आलेख, कविताएं, पोस्टर, ड्राइंग एवं स्लोगन द्वारा पोषक पखवाड़े को एवं जन जागृति फैलाने में विशेष सहयोग दिया है। पूज्य सुखसागर सिंधी पंचायत की ओर से झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में रविवार 3 अप्रैल को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
रविवार सुबह राजनगर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। शाम को विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत आरती खुशहाली की अरदास की जाएगी। सिंधी छेज नृत्य आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगा। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में जीतू गोपलानी, संजय ठकवानी, राजकुमार मोटवानी, गुलशन मनवानी, राजू भंभवानी प्रयास कर रहे हैं। सिंधी समाज के इष्ट देवता वरुणावतार झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल महिला समिति द्वारा पूजन कर आराधना की जाएगी। मेहंदी स्पर्धा भजन संध्या के आयोजन में समिति का विशेष सहयोग रहेगा। रेखा ठाकुर, शीला धनराजानी, सुधा जेसवानी, सविता खुशलानी, करिश्मा मोटवानी, अनिता फुलवानी, भावना दयानी, दिव्या ग्वालानी, उषा अम्बेसर, पूजा मौर्यानी, लवीना दूनी सिघानी, कोमल खंडवानी, गीता भाटिया आयोजन के सफलतार्थ प्रयास कर रही है। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा रंगों के त्यौहार होली के उपलक्ष्य में होटल द्वारकामाई गणेशपेट नागपुर में गीतों भरी शाम होली के नाम संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम चेंबर के सचिव राम अवतार तोतला ने श्री गणेश भगवान की स्तुति एवं माँ सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया ने अपने संबोधन में व्यापारी भाइयों को होली के साथ साथ नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, चेटरी चंड एवं रमजान पर्व की बधाई देते हुए कहा कि चेंबर हमेशा अपने व्यापारियों के व्यापारिक हितार्थ के साथ साथ उनके मनोरंजन के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में आज का संगीत में कार्यक्रम व्यापारियों के लिए आयोजित किया है। उनके द्वारा सभी गायक कलाकारों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। चेंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व मनोरंजन समिति के संयोजक अर्जुन दास आहूजा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य अपने व्यापारियों के मानसिक तनाव कम करते हुए उनका मनोरंजन कर व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,506 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,07,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 53,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 7,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के वकील सतीश उके के घर छापा मारा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गुरुवार सुबह से ही नागपुर में सतीश उके के घर पर छापेमारी शुरू की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि छापेमारी किस मामले में हो रही है। सीआरपीएफ के जवान इस समय उके के घर के बाहर नजर आ रहे हैं। वकील सतीश उके ने पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनावी याचिका दायर की थी। तब भी सतीश उके काफी चर्चा में रहते थे। फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से केस दर्ज किया गया था। सतीश उके एक हाई प्रोफाइल वकील के रूप में जाने जाते हैं। नागपुर के जाने माने वकील सतीश उके के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों ने गुरुवार सुबह करीब 5 बजे पार्वती नगर इलाके में स्थित घर पर छापा मारा। फिलहाल वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप उके घर पर है। अपराध शाखा द्वारा उके को नागपुर में जमीन के लेन देन के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा समर 2022 की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से ही लेने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के सामने आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, युवक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी की उपस्थिति में रुद्र धाकड़े अध्यक्ष नागपुर विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान उपकुलपति प्राध्यापक सुभाष चौधरी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। चर्चा के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन शिक्षा व ऑफलाइन परीक्षा के कारण छात्र अन्य विश्वविद्यालय से पिछड़ जाएगा। मुंबई विश्वविद्यालय व कृषि विश्वविद्यालय राहुरी में ऑनलाइन पद्धति से ही परीक्षाएं ली जा रही है। कोविड अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी अनेक छात्रों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। छात्रों को 80% ऑनलाइन पद्धति से ही पढ़ाया गया है, जबकि करीब 50% छात्रों ने उपस्थिति दर्ज कराई। अब भी कई पालक छात्रों को भेजने तैयार नहीं है। कोविड की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद महाविद्यालय में ऑफलाइन शिक्षा शुरू करने के बाद भी अनेक विद्यार्थी महाविद्यालय में नहीं आए। अनेक शिक्षक भी नहीं आ सके, इस वजह से लेक्चर्स नहीं हो पाए। मनीष नगर में मां तुलजा भवानी मंदिर में शनिवार 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया है।
शनिवार को सुबह 5 बजे माता का अभिषेक, तत्पश्चात 9 बजे माता की आरती कर प्रधान घट की स्थापना होगी। भक्तों द्वारा सार्वजनिक मनोकामना अखंड ज्योत शाम 5 बजे से प्रज्वलित होगी। रात 8 बजे माता की महाआरती होगी। प्रतिदिन माता की आरती सुबह 9 बजे एवं रात 8 बजे होगी। 9 अप्रैल शाम 5 बजे से भक्तों द्वारा सार्वजनिक अष्टमी होम हवन पूजा होगी। भक्तजन सहपरिवार आकर होम हवन पूजा का लाभ ले सकते हैं। शाम 7 बजे कन्या भोज होगा। रविवार 10 अप्रैल 6 बजे से महाप्रसाद की शुरुआत होगी। सभी भक्तों के लिए सोमवार 11 अप्रैल दोपहर 12 बजे घट विसर्जन सोनेगांव तालाब पर होंगे। यह सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए चैत्र नवरात्र उत्सव समिति व देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष प्रवीण बाल मुकुंद शर्मा, सचिन शर्मा, लकी भरने, नीलेश डुमरे, राकेश शाहू, पराग दामले, आर्यन शर्मा, आदर्श शर्मा, वंदना सोनगड़े, कुणाल करडी, राजा चंद्रवंशी, नीलकंठ काचेवार, दिनेश वानखेड़े आदि उपस्थित रहेंगे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।